सो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीते 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जब फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है। ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हालांकि फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज से पहले काफी विवादों में रही है। जी हाँ, क्योंकि फिल्म के साथ द कपिल शर्मा शो को लेकर विवाद भी खड़ा हो चुका है। पहले तो लोगों के इन कमेंट्स और रिएक्शन पर प्लीज नजर डालें और तभी आपको ये पूरा मामला समझ आएगा। बट रिएक्शन पर नजर डालने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पैथो। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज, लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। और अब इन रिएक्शन पर नजर डालें। नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी, जब पीएम मोदी ने फिल्म की टीम से मुलाकात की और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी। जब फिल्म को करीब 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और कश्मीरी पंडितों के दर्द और आपबीती को बयां करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दो दिन में 12.5 करोड़ रुपीज की कमाई भी कर ली है। जी हाँ, जैसे आपने रिएक्शन देखा और जो कपिल शर्मा शो की जो कॉन्ट्रोवर्सी है इस पे लोगों का रिएक्शन देखा एंड हाउ पीपल आर एडमेंट कि अब इस शो को बॉयकट करना है, वेल आप कौन सी साइड पे हैं एंड हु डू यू थिंक इज राइट? डू लेट अस नो योर इनसाइट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।